हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों, जिसमें हम आज जानेंगे 1 से 15 जुलाई 2022 के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हों उनके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हिंदी में बनाया गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में मिस इंडिया 2022 किसे चुना गया है? तो दोस्तों, हाल ही में सिनी सेट्टी को मिस इंडिया 2022 चुना गया है। ऑप्शन ए सिनी सेट्टी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, ये कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, जिन्हें मिस इंडिया 2022 चुना गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में सबसे अव्वल राज्य कौन सा है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया है और ये सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। इसके बाद नंबर आता है यूपी का और फिर आता है आंध्र प्रदेश का। चलिए बात आई है उड़ीसा की, तो आपको मैप में इसकी लोकेशन के बारे में बता दें। मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, उड़ीसा राज्य की है। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में की गई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 21 सीटें हैं उड़ीसा में। नृत्य यहाँ का उड़ीसी है। बंदी उत्कल जननी यहाँ का राजकीय गीत है। मैमल की बात करें तो सांभर मैमल है, वहीं पक्षी भारतीय रोलर है। महानदी महाशीर उड़ीसा की राजकीय मछली है। पवित्र अंजीर वृक्ष है और पखाला यहाँ का राजकीय भोजन है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोहन बगान रत्न किसे दिया गया है? तो श्याम थापा इसका सही आंसर होगा। श्याम थापा को मोहन बगान रत्न दिया गया है। कुछ और अवार्ड इसी के अंदर दिए जाते हैं तो वो भी आपको बता दें। तो बेस्ट एथलीट बापी शेख को चुना गया है। बेस्ट क्रिकेटर प्रिनन दत्ता को चुना गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बलाई दे के लिए दिया गया है मोहन बगान रत्न का। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 का नया शेरपा किसे चुना गया है? तो दोस्तों, अमिताभ कांत को G20 का नया शेरपा चुना गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, जो अमिताभ कांत है वह नीति आयोग के CEO थे पहले, लेकिन अब G20 के शेरपा हैं। और इससे पहले G20 के शेरपा पीयूष गोयल थे, इनकी जगह अब अमिताभ बच्चन G20 के शेरपा हैं। दोस्तों, आपको बता दें 18वीं बैठक G20 की नई दिल्ली में 2023 में आयोजित की जाएगी। 2024 में इसकी बैठक ब्राजील में होगी और 2025 में G20 की बैठक दक्षिण अफ्रीका में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निधन हुआ शिंजो अबे किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो दोस्तों, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं शिंजो अबे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, इन्हें 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल फॉर फ्रीडम USA का किसे दिया गया है? तो दोस्तों, ये जो अवार्ड है वह सिमोन बाइल्स को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सिमोन बाइल्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो USA का है उसे दिया गया है। दोस्तों, ये सबसे युवा जिम्नास्टिक हैं, इनकी उम्र 25 है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान USA का इसे प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कैंपेगौड़ा अवार्ड की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी कर्नाटक सही आंसर होगा। कर्नाटक में कैंपेगौड़ा अवार्ड की शुरुआत की गई है। 3 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है, जिसमें SM कृष्णा पहले CM है जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। NR नारायण मूर्ति ये इन्फोसिस के संस्थापक हैं, जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। वहीं प्रकाश पादुकोण जो बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं भारत के, इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। टोटल इन तीनों को कैंपेगौड़ा अवार्ड दिया गया है, जिसकी शुरुआत 2022 से की गई है कर्नाटक में। बात आई है कर्नाटक की, तो ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे कर्नाटक है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक के 28 सीटें हैं लोकसभा की, 12 सीटें हैं राज्यसभा की कर्नाटक में। जय भारत जननीय जनु तनुजते ये कर्नाटक का राजकीय गीत है। भारतीय हाथी स्तनपाई है। भारतीय रोलर पक्षी है। कमल फूल है और लाल चंदन यहाँ का वृक्ष है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की हमने बात की कर्नाटक के, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जगह की 2 झीलों को वेटलैंड घोषित किया गया है? तो दोस्तों, उदयपुर की झीलों को वेटलैंड घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जैसा कि आपको पता है, उदयपुर राजस्थान में है, जिसकी 2 लेक जिनका नाम ब्रह्म और धांध, ब्रह्म लेक और धांध लेक जो उदयपुर में है, इन्हें हाल ही में वेटलैंड घोषित किया गया है। अब
जो भारत में रामसर साइट की संख्या है वह 49 हो चुकी है और इनमें सबसे ज़्यादा जो साइटें हैं वह 10 यूपी में हैं। हाल ही में विंबलडन टेनिस खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों विंबलडन महिला टेनिस खिताब तो जीता है एलिना राइबकन ने, जिसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, लेकिन पुरुषों का जो खिताब है वह नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं, मेल का जीता है नोवाक जोकोविच ने और फीमेल का जीता है एलेना राइबकीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम शक्ति लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये है दिल्ली, दिल्ली की जो पुलिस है उसने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम शक्ति लॉन्च किया है। हाल ही में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर में किया गया है, ऑप्शन सी श्रीनगर इसका सही आंसर होगा। इसका जो उद्घाटन है या अनावरण है वर्चुअली गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहला स्थान किस देश को दिया गया है? तो दोस्तों इसमें पहला स्थान फिनलैंड को दिया गया है, ऑप्शन ए फिनलैंड इसका सही आंसर होगा। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। वहीं बात करें भारत की तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत का स्थान 121वां है, यानी 121 स्थान पर है भारत। 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा, ऑप्शन ए गुजरात इसका सही आंसर होगा। अक्टूबर में 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। बात आई गुजरात की तो ये लोकेशन आप देख पा रहे हो गुजरात की। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। गांधीनगर राजधानी, आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं, भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा की 11 और लोकसभा की 29 सीटें हैं गुजरात में। जय जय गरबी गुजराती राजकीय गीत है। एशिया शेर स्तनपाई है। ग्रेटर फ्लेमिंगो राजकीय पक्षी है। गेंदा राजकीय फूल है। आम फल है और बरगद गुजरात का राजकीय पेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों यह जो अशोक स्तंभ है इसकी ऊंचाई 6.5 फीट है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। इसका जो वजन है वह 9500 किलोग्राम है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा इसका अनावरण किया गया है। ISSF वर्ल्ड कप में हाल ही में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो अर्जुन बहुता ने ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों ISSF वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 2022 में इसकी थीम अ वर्ल्ड ऑफ 8 मिलियन ये रखी गई है। टाइम की विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के किन दो शहरों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों अहमदाबाद और केरल, इन दोनों को टाइम्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 हाल ही में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है खुशी पटेल। खुशी पटेल ऑप्शन ए सही आंसर होगा। खुशी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब दिया गया है। कुछ और नाम हम आपको बता दें और कुछ और अवार्ड के बारे में बता दें, तो सबसे पहले बात करते हैं सनी सेट्टी की, इन्हें मिस इंडिया 2022 बनाया गया है। बात करते हैं पल्लवी शाह की, तो दोस्तों इन्हें मिस यूनिवर्स डिवाइन 2022 बनाया गया है। हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स 2021 बनी है। इसके अलावा मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस की बनी है जो पोलैंड की है, और मिसेस वर्ल्ड 2022 शाइलिन फोर्ड बनी है जो यूएसए की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड थे जिनके बारे में हमने चर्चा की। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किस देश के पास है? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, यूएसए के पास दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है जिसका नाम जेम्स वेब है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसमें भारत का 135वां स्थान है, ऑप्शन सी 135 इसका सही आंसर होगा। हाल ही में अदानी ग्रुप ने किस देश में एक पोर्ट खरीदा है? तो यह है इजराइल। इजराइल में अदानी पोर्ट ने एक पोर्ट खरीदा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है जिसका संचालन 2054 तक के लिए अदानी ग्रुप के पास रहेगा। 9400 करोड़ रुपए में
ये पोर्ट अदानी ग्रुप के द्वारा खरीदा गया है। आई टू यू टू की कौन सी बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो दोस्तों आई टू यू टू की बैठक का आयोजन किया गया है, इसका आयोजन पहला आयोजन है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसका वर्चुअली आयोजन किया गया है। अब ये आई टू यू टू है क्या, सबसे पहले आपको इसके बारे में बता दें, इसमें चार देश आते हैं जिनका नाम इंडिया, इसराइल, यू यूएसए और सेकंड यू का मतलब है यूएई, यानी इन चारों देशों में बैठक का आयोजन किया करते हैं और इनकी यह पहली बैठक है जो आई टू यू टू के नाम से जानी जाती है। दोस्तों यूएई के द्वारा 15,980 करोड़ रुपए की लागत से भारत में मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों यूजीन यूएसए में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। भारत के 21 खिलाड़ियों का दल इसमें भाग लिया है। 200 देशों के करीब 2000 एथलीट इसमें भाग लेंगे। भारत का पहला मेडल 2003 में पेरिस में अंबू बॉबी जॉर्ज ने जीता था और इसका यह दोस्तों जो यूजीन में हो रहा है यहाँ पर 21 खिलाड़ी जो भारतीय दल है वह गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में किस संस्थान को पहला स्थान दिया गया है? तो आईआईटी मद्रास को नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों इसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओवरऑल अगर बात करें इंस्टीट्यूशन की तो आईआईटी मद्रास को फोर्थ टाइम टॉप रैंक दी गई है। वहीं बात करें अगर रिसर्च के क्षेत्र में तो आईआईएससी बेंगलुरु को सबसे बेस्ट संस्थान बताया गया है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आईआईटी मद्रास को सर्वश्रेष्ठ संस्थान बताया गया है। मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन बताई गई है। मेडिकल में एम्स दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन बताया गया है। वहीं कॉलेज की बात करें तो मिरांडा हाउस दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ कॉलेज बताया गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में। डेंटल कॉलेज की बात करें तो सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई को नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग में बेस्ट डेंटल कॉलेज का अवार्ड दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड थे जिन्हें जानना भी जरूरी था। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सिंगापुर ओपन सुपर 500 खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने यह खिताब जीता है, ऑप्शन बी पीवी सिंधु इसका सही आंसर होगा। पहली बार यह खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। दोस्तों 2010 में साइना नेहवाल ने और 2017 में साई प्रणीत ने सिंगापुर ओपन अपने नाम किया था। भारत अब तक टोटल 3 अवार्ड सिंगापुर ओपन के जीत चुका है। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन डी चेन्नई इसका सही आंसर होगा। चेन्नई में 44वीं शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों इसका 45वां जो संस्करण है बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में JCDN अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों केपी कुमारन को हाल ही में JCDN अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों केपी कुमारन फिल्म मेकर हैं। बात आई है JCDN अवार्ड की तो आपको बता दें यह अवार्ड केरल के द्वारा दिया जाता है और मलयालम सिनेमा का यह हाईएस्ट अवार्ड है। पहला अवार्ड 1992 में TE वासुदेवन को दिया गया था। इस बार 28वां अवार्ड केपी कुमारन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NSE का MD और CEO बनाया गया है? तो ऑप्शन ए आशीष चौहान इसका सही आंसर होगा। NSE का MD और CEO आशीष चौहान को बनाया गया है। दोस्तों ये NSE क्या है आपको इसके बारे में बता दें, NSE का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। फॉर्मेशन 1992 में किया गया था। वर्तमान में चेयरपर्सन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। हाल ही में औरंगाबाद का नया नाम क्या किया गया है? तो दोस्तों छत्रपति संभाजी नगर नाम औरंगाबाद का किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। औरंगाबाद का नया नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। कुछ और महाराष्ट्र में नाम बदले गए हैं तो आपको बता दें, नवी मुंबई हवाई अड्डा का नाम DV पाटिल किया गया है, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है। तो ये कुछ बदलाव किए गए हैं महाराष्ट्र में। दुनिया का सबसे तेज इंसान कौन है? तो दोस्तों फ्रेड गर्ली दुनिया के सबसे तेज इंसान बन गए हैं। इन्होंने दोस्तों 100 मीटर की रनिंग 9.86 सेकंड में पूरी की है। इसी के साथ ये दुनिया के सबसे तेज धावक बन गए हैं। हाल ही में नरेंद्र ध्रुव बत्रा ने किस संस्था से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और इंटरनेशनल
ओलंपिक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन दोनों संस्था के अध्यक्ष पद से हाल ही में नरेंद्र ध्रुव बत्रा ने इस्तीफा दिया है। तो ऑप्शन इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सही आंसर होगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर किसे चुना गया है? तो एल गणेशन को पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर चुना गया है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। बताइए पश्चिम बंगाल की, तो लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, पश्चिम बंगाल है। स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। राजधानी कोलकाता है। जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं। दोस्तों यहाँ पर अब राज्यपाल बदल गए हैं, अब एल गणेशन नए राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। लोकसभा की 42, राज्यसभा की 16 सीटें हैं। आदर्श बाग सत्य में बैठी है। स्तनपाई मत्स्य बिल्ली है। दोस्तों बात करें पक्षी की, तो सफेद गले वाले किंग फिशर यहाँ का पक्षी है। एलिसो मछली है। रात में फूलने वाली चमेली ये फूल है। और वृक्ष जातिम वृक्ष है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हुआ भूपेंद्र सिंह यह कौन थे? तो दोस्तों हाल ही में भूपेंद्र सिंह का निधन हुआ, ये गजल गायक थे। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये गजल गायक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इनकी उम्र 82 वर्ष थी। हाल ही में वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किस खिलाड़ी के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन ए बेन स्टोक्स इसका सही आंसर होगा। बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। दोस्तों ये इंग्लैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी थे जिन्होंने अब वनडे से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में रानिल विक्रम सिंघे को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ये है आंसर श्रीलंका। श्रीलंका का नया राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे को बनाया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश से भारत में चीते लाए जाएंगे? तो दोस्तों नामीबिया देश से भारत में चीते लाए जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य में 21 चीते लाए जाएंगे नामीबिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 87वां स्थान है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पहले स्थान पर जापान है, सिंगापुर है और दक्षिण कोरिया, ये 1, 2, 3 स्थान पर है। और भारत का स्थान है 87वां। दोस्तों 60 देशों में बिना वीजा या ऑन वीजा ऑन अराइवल भारतीय जा सकते हैं, ये भी इस पासपोर्ट इंडेक्स में कहा गया है। सबसे ज्यादा फीस लेने वाले हॉलीवुड एक्टर कौन है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा फीस लेने वाले हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। टॉम क्रूज ने 800 करोड़ रुपए ली है। इसके बाद विल स्मिथ आता है ना, जिन्होंने 280 करोड़ रुपए लिए थे एक फिल्म के। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।